अस्सलाम वालेकुम तो जी स्टूडेंट आप सब पढ़ रहे हैं अपनी किताब दरश्शा हिस्सा टू जो मैट्रिक के अंदर पढ़ाई जाती है अब तक आप लोगों ने पढ़ा है सबक नंबर सोलह तक आज पढ़ेंगे सबक नंबर सत्रह सबक का नाम होगा मनाजिर कुदरत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इम्तहान में हर साल इसके ताल्लुक से क्वेश्चन आते हैं तो आइए मैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा पूरी वीडियो को दिखिएगा ज़्यादा नहीं सिर्फ इसमें ग्यारह क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं तो आइए शुरू करते हैं देखते हैं सवाल नंबर एक में है कि चकबीस की पैदाइश कब हुई चकबीस की पैदाइश कब हुई ए यानी अलिफ अट्ठारह सौ अट्ठासी बी यानी बे अट्ठारह सौ बेरासी जिम अट्ठारह सौ छियासी दाल में अठारह सौ तिरासी स्टूडेंट इसका सही जवाब आपको जब चुनना है अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नहीं जानते हैं तो मेरे जी जवाब को आप नोट कीजिए आपको काफ़ी फायदा होगा सही जवा बे अठारह सौ में इनकी पैदाइश हुई है देखते हैं सवाल नंबर दो बढ़ते हैं। का पूरा नाम क्या है जी स्टूडेंट अलीफ पंडित बुज नारायण बे पंडित फर्ज नारायण और जी में है पंडित फर्ज नारायण और दाल में है कोई भी नहीं स्टूडेंट इसका सही जवाब आपको चुनना है आप देख सकते हैं इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर टू का सही जवाब होगा आपको अलिफ होगा क्या होगा अलिफ होगा यानी पंडित बुझ नारायण का सही नाम है और असल नाम है देखते हैं सवाल नंबर तीन में वकालत कहाँ करते थे जी स्टूडेंटबीस वकालत कहाँ करते थे अलिफ रायबरेली बे लखनऊ में जी फैजाबाद में दाल हैदराबाद में स्टूडेंट इस इसका सही जवाब आपको क्या होगा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री का सही जवाब होगा आपको बे लखनऊ के अंदर ये वकालत किया करते थे देखते हैं सवाल नंबर चार देखते हैं चकबीश की गज़लों में किस शायरी का रंग मिलता है चकबीश की शायरी में देखिएगा चकबीश की शायरी में गजलों में किस शायर का रंग मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलिफ अंश का बे अकबर का जीम गालिब का और दाल में आतिश का क्वेश्चन नंबर चार का सही होगा आपको दाल आतिश का ये रंग मिलता है सवाल नंबर बढ़ते हैं चार के बाद पांच की तरफ जी स्टूडेंट उन्नीस में उन्नीस में आप भी रहे हैं खाली जगह को भरिए यानी कि स्टेशन डायरेक्टर वे पोस्ट मास्टर का और दाल में पोस्ट ऑफिस उसे तरह आपसे क्वेश्चन नंबर चार का सही क्वेश्चन नंबर पाँच का सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब होगा स्टूडेंट अलिफ स्टेशन डायरेक्टर स्टेशन डायरेक्टर आप रहे यहाँ पे नहीं यानी कि आप जो नहीं वहाँ भर रहे हैं आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे हैं देखते हैं सवाल नंबर पाँच है कि पाँच के बाद देखते हैं सवाल नंबर ये हाँ पाँच ही है कि चगवीस के आबावत कहाँ से आए थे चगवीस के आबाद का ताल्लुक कहाँ से था चौबीस के आबा आजाद का ताल्लुक कहाँ से था अलीफ फैजाबाद बे लखनऊ से जिम रायबरेली से और दाल में इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर फाइव का सही जवाब आपको देना होगा बे लखनऊ से कहाँ से लखनऊ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं छग्वीस का इंतकाल कहाँ हुआ जी चौबीस का इंतकाल कहा हुआ, हुआ? अलिफ लखनऊ बे फैजाबाद जिम रायबरेली और दाल में अलीगढ़ क्वेश्चन नंबर सिक्स का सही जवाब आप देखेंगे होगा जीम राय रायबरेली में इनका इंतकाल हुआ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं छब्बीस का इंतकाल कहाँ हुआ था और कब हुआ था इंतकाल कब हुआ था यह क्वेश्चन सही है अलिफ उन्नीस सौ छब्बीस वे उन्नीस सौ जिम उन्नीस सौ छत्तीस और दाल में है उन्नीस सौ पच्चीस क्वेश्चन नंबर सेवन का सही जवाब आपको मिलेगा अलिफ उन्नीस सौ छब्बीस उन्नीस सौ छब्बीस जी स्टूडेंट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ बढ़ते हैं मनाजर कुदरत किन की तख्लीक है मनाजर कुदरत किन की तख्लीक है यह आपको जवाब देना है अलीफ महरूम साहब की बे परवीन शाकिर की जिम चकबीस की और दाल में अहमद फिराज की तो क्वेश्चन नंबर आठ का सही जवाब आप चुनेंगे क्या जिम चब्बीस का यह मनाजर कुदर सबक है क्वेश्चन नंबर नौ संघ के माना क्या होगा जी स्टूडेंट संघ का माना क्या है अलिफ इंट बे पत्थर जिम दरख्त दाल पहाड़ इस सवाल नंबर नौ से मालूम चलता है कि आपको अपनी किताब में जो क्वेश्चन दिया है और ये वर्ड मीनिंग दिया है अल्फाज और मानी दिया है वो भी आपको पढ़ना होगा जब जाकर के मुख्यमंत्री थी इम्तिहान में क्वालिफाई आप कर सकते हो संघ का माना क्या होगा आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है चार चार इस में संघ का माना सही जब होगा आपका पत्थर क्या होगा पत्थर होगा देखते हैं क्वेश्चन बैर का माना क्या है बैर का माना क्या है अलिफ, बे, और जिम में बादल दाल में से कोई नहीं बैर के माना क्या होगा आप चुनेंगे आप बैल का गया बे होगा यानि उसको हम झगड़ा मानेंगे होता है नफरत झगड़ा करना, करना देखते हैं क्वेश्चन नंबर ग्यारह के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा चक्बीस का इंतकाल किस बीमारी से हुआ चब्बीस का इंतकाल किस बीमारी से हुआ आप देख रहे हैं अलिफ हार्ट अटैक बी बुखार जिम फालिस और दाल में लिखा है यरकान यानी क्वेश्चन नंबर एगारह का सही जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको याद करना होगा सही जवाब होगा आपको फालिज की वजह से किसकी वजह से फालिज़ से जे स्टूडेंट हर चैप्टर में तकरीबन हमें दस पंद्रह बारह चौदह पंद्रह तक भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा उम्मीद करता हूँ उसको आप सही से पढ़ोगे अगर मेरी काविश आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यार लाइक कर देना और साथ ही में शेयर जरूर करना फिर मिलता हूँ चैप्टर नंबर अट्ठारह लग करके तब तक इंतजार कीजिए कर दिए खुदाफिफि असल वरम्ला वरक